जय हिंद साथियों, आज हम एक मामले से हमारी बातों की शुरुआत करते हैं। तो एक मामला था जिसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जो आपका एक चयन कमेटी का सदस्य था, ठीक याद रखिएगा, और वह क्या है IFS का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें अभ्यर्थी भी था। एक व्यक्ति है, वो दो जगह है, उस चयन कमेटी का सदस्य है जहां पे IFS की चयन की जाती है, ठीक है, और वह वहां पे क्या इंटरव्यूअर भी है एक, ठीक। अब उसका नाम चयन समिति के विचारण में आया। अब वह बंद जो व्यक्ति है वो क्या है चयन समिति में जाकर उसका इंटरव्यू देना है उसको, और चयन समिति जो थी चयन कमेटी उसने क्या किया ए का नाम फाइनलाइज कर दिया बाद में, मतलब कि उसको IFS के लिए सेलेक्ट कर लिया जबकि वह खुद उस कमेटी का सदस्य था। और इस पर अब उसको उस ए को अगर बना दिया गया तो जो अन्य व्यक्ति थे जैसे जो BCD जो अन्य जो और भी अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या किया इसके खिलाफ आपत्ति उठाई और यह गया आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह मामला किससे संबंधित है आपका व्यक्तिगत पक्षपात से। यहाँ पे क्या हो रहा है अपने चयन कमेटी का सदस्य वही व्यक्ति ए है और वहीं पर वह इंटरव्यूअर है, तो उसका जो कार्य हुआ वह क्या किस में आएगा व्यक्तिगत पक्षपात के तहत आएगा और यह एक पक्षपात का उपयोग का एक गंभीर मामला था है। तो यह मामला हम जिसकी बात करें यह कौन सा था आपका, यह था आपका मामला AK कैंपरक। तो ये मामला था आपका AK कैंपरक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो अब इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं आपका बायसनेस या पक्षपात के विरुद्ध संरक्षण के बारे में। तो क्या होता है बायस, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेवर टुवर्ड्स और अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल और वन साइड इन एनी आर्गुमेंट ऑफ्टन नॉट बेस्ड ऑन फेयर जजमेंट और फैक्ट्स। क्या होता है ये, प्रायः किसी समूह के पक्ष अथवा विपक्ष में सहानुभूति अथवा वाद विवाद में किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, और यह प्रायः क्या होता है एक तरफा या पूर्वाग्रह पर या एक विशेष झुकाव पक्षपात कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं रूल अगेंस्ट बायस की, जो आपका नेचुरल जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्या है ये, पक्षपात के विरुद्ध संरक्षण के बारे में। ये पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत के तौर पे देखा जाता है। क्या होता है आपका रूल अगेंस्ट बायस या पक्षपात के विरुद्ध संरक्षण, कि जब भी कोई मामला होता है तो वहां पे नेचुरल जस्टिस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए यह देखा जाना चाहिए कि कोई भी किसी भी मामले में वह व्यक्ति जज या निर्णायक या न्यायाधीश नहीं हो सकता जिसका स्वयं का हित या स्वार्थ उसमें निहित होता हो, क्योंकि उसके द्वारा जो कार्य होगा वह उस कार्यवाही को क्या करेगी दूषित कर देगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओन केसेस, कि कोई भी जो वही पर्सन है वो अपने ही मामले में क्या होगा जज की भूमिका अदा नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वह वहां पे क्या है यदि उसका उस पर हित जुड़ा हुआ है तो वह उसका जजमेंट नहीं दे सकता है, और यदि उसने ऐसा कार्य किया तो वह क्या होगा इस सिद्धांत के विरुद्ध होगा और वह जो निर्णय आएगा वह प्रदूषित माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पक्षपात के प्रकारों के बारे में या काइंड्स ऑफ बायस। तो इसमें होते हैं आपके पर्सनल बायस, प्रिकनरी बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस, डिपार्टमेंटल बायस और पॉलिसी बेस्ड बायस। क्या होता है पर्सनल बायस, इसको समझते हैं कि जब इसको हिंदी में बोला जाता है आपका व्यक्तिगत पक्षपात। व्यक्तिगत पक्षपात हम वहाँ कहाँ कहेंगे जहाँ पे ये बात की संभावना हो कि जो जज है वह क्या हो गया है पक्षपाती हो गया है, या वह क्या करे किसी एक पक्ष के प्रति वफादार हो गया है और दूसरे पक्ष को छोड़ दिया है। यहाँ पे ये संभावना हो जाए कि जो जज है उसका निर्णय भी क्या आएगा अब पक्षपाती हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं प्रिकनरी बायस, जिसको वो कहा जाता है आपका धन संबंधी पक्षपात।
तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी जो जज है वह क्या होता है, मनी लेकर जो भी जो मैटर से रिलेटेड जो मामले जो भी उसका जो जजमेंट होगा उसको क्या करेगा, उसको इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अगर जज को कोई पैसा दे दे, एक पर्सन है जो जज को पैसा दे देता है, तो पैसे के बदौलत क्या है, जज उसके पक्ष में अगर फैसला देता है तो ये जो जो पक्षपात हो वो क्या होगा आपका, पिकनरी बायस के तहत आएगा। तीसरा है आपका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड या बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, ये होता है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात। इसमें क्या है कि किसी विषय वस्तु के संबंध में भी न्यायाधीश पक्षपाती हो सकता है, और यह कहा जा सकता है कि विषय वस्तु में जब किसी व्यक्ति का संबंध होता है तब व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकता, अर्थात वह उस विवाद को निर्णित नहीं कर सकता है, जैसे हमने पूर्व में जो उदाहरण देखा एके कैंप्रक का। अब चौथा जो है वो आपका है डिपार्टमेंटल बायसनेस के बारे में, तो ये क्या होता है, विभागीय पक्षपात। विभागीय पक्षपात की बात प्रशासनिक प्रक्रिया में निहित है। अब बहुत से मामलों में पक्षकार जो होता है वो कौन होता है, खुद गवर्नमेंट होती है या शासन होता है। अब ऐसी स्थिति में जो भी प्रशासनिक अधिकरण हो वो क्या करेंगे, जितने भी जो आपके प्रशासनिक अधिकरण है वो क्या है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या है, किस में आ जाएगा, वो डिपार्टमेंटल बायस में आ जाएगा चीजें। अब हम देखते हैं कि अब पांचवा पॉलिसी बायस, तो ये क्या आपका नीति संबंधी बायस है कि सरकारी नीति से उठने वाले पक्षपात का प्रश्न प्रशासनिक विधि का महत्वपूर्ण विषय होता है, और यह ऐसे किसी कार्य को तब तक अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि न्यायाधीश पूर्व धारणाओं से ग्रसित ना हो, तो यह आपका होता है पॉलिसी बेस्ड बायस। अब हम देखते हैं इसके संबंधित कुछ केस लॉस को। तो एक मामला था मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो था आपका AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 468। इसमें क्या हुआ था कि बिहार के जो राजस्व मंत्री थे, अब उन्होंने क्या किया, जो अपलार्थी को पट्टा पर भूमि दिए जाने पर का लाइसेंस निरस्त कर दिया, और अपलार्थी ने कहा कि लाइसेंस इस कारण से निरस्त किया गया है कि अपलार्थी कंपनी के मालिक तथा राजस्व मंत्री के साथ उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, मतलब विरोधाभास है दोनों में। तो उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में व्यक्तिगत झुकाव पाया और आदेश को अवैध घोषित कर दिया। अब एक मामला था आपका मनकलाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद्रा AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 424। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यदि किसी भी मामले में इन एनी मैटर और एनी केस कि जहां पे कोई भी प्रिकनरी टाइप की चीजें आती है या आपका मनी की बात आएगी, ठीक है, या धन संबंधी कोई इंटरेस्ट किसी का होगा या हित होगा, तो वह मामले में क्या हो सकता है कि जो भी जज होगा वह उसमें जजमेंट या उसमें जजमेंट नहीं दे सकता। अब हमने एक एक कैंप्रक पर से यूनियन ऑफ इंडिया का मामला देख ही लिया, जिसमें आपका विषय वस्तु से संबंधित पक्षपात को बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक शेयर एंड ज्वाइन अवर मेंबरशिप प्रोग्राम। थैंक यू।